आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव पाली आनंदगढ़ी का है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय हितेश की बीती रात गला रेतकर हत्या कर दी गई। जैसे ही घटना की सूचना परिजन व पुलिस प्रशासन को पता लगी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मेरा नाम सुनील है, रात 8:30 बजे से गया। अच्छा, 13-14 साल का। क्या नाम है? हितेश। हितेश पढ़ता था? हाँ। कहाँ? प्राइमरी स्कूल में 6th क्लास में। अच्छा, तो ये क्या कह के घर से निकला था? कहाँ फिर लेने के लिए? दुकान से। फिर क्या क्या हुआ? ले गए फिर? कॉपी दे गया था? हाँ। अच्छा, फिर ये खोजा मिला नहीं? फिर नहीं मिला। क्या बजे तक खोजा? ये रात 1 बजे तक। पुलिस को सूचना दी थी? ये रात नहीं दी थी, अब दी थी जब सुबह ये मिला। अब ये कहाँ मिला है? यहीं पे मिला जहाँ पड़ा है, धान के खेत में। हाँ, आज सुबह लगभग 8 बजे एक सूचना आई थी कि बच्चे का शव खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाने की फोर्स, हमारी फील्ड यूनिट और हमारे डॉग स्क्वाड सारे लोग आ गए थे। जब यहाँ पर प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई, पूछताछ से पता चला कि बच्चा जो है रात में करीब 8:30 बजे अपने घर से 10 रुपये लेकर निकला था। कुछ उसको खाने पीने का सामान या कापी लेने के लिए बात करके गया था, पर रात में नहीं लौटा। परिवार वालों से पूछा गया तो किसी छानबीन या खोजबीन की गई तो उन्होंने कहना था कि रात में कभी कभी चला जाता था, अगर कहीं कार्यक्रम वगैरह कोई होता था जैसे जागरण वगैरह तो वहाँ चला जाता था और देर रात से लौटता था, या कभी कभी तो सुबह लौटता था, दोपहर को भी एक आध बार आया लौट करके। इसलिए इन लोगों पर इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। और इसके अलावा इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसको प्राप्त कर लिया गया, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ के लिए उनको उठाया गया, उसे पूछताछ की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।